गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी होली फ्रॉम मी एंड माई फैमिली टू यू। मम्मी पापा आए हुए हैं तो सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर में, यहाँ पर अच्छी खासी होली पार्टी होती है, तो वहीं पर हम लोग थोड़ी देर के लिए जाएंगे खेलने। हमारे किचन में अच्छी अच्छी चीज़ें बनने वाली है क्योंकि मम्मी आई है, तो मम्मी बनाने वाले हैं आज समोसे अभी, और थोड़ा सा सूजी का हलवा भी बनाएंगे क्योंकि मिठाई बनाना ज़रूरी है। मम्मी हेलो। मम्मी तुम तो बहुत सेलिब्रिटी बन गई हो, लोगों ने बहुत सराहा तुम्हारे लास्ट वीडियो को, बहुत लोग कह रहे तुम्हें और भी आना चाहिए वीडियो में। थैंक यू। तो मम्मी आज हमें सिखाओगी कैसे समोसे बनाते हैं? जरूर। तो मम्मी तुमने कल रात को ही बना लिया था ना स्टफिंग, समोसे वाला स्टफिंग उन्होंने कल रात ही बना लिया था। बहुत ही हाइपर एक्टिव है मेरी मम्मी, मतलब एक जगह वो बैठ ही नहीं सकती, हमेशा काम कर रही है। मतलब मैंने कहा छुट्टी मनाने आए हो बेटी के पास, बैठो आराम करो, कुछ नहीं, शी इज ऑलवेज ऑन हर टोज। गुड, माँ की सेवा लिटरली। तो फिर चलो अभी हम समोसे और थोड़ा सूजी का हलवा बनाते हैं, रेसिपी देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। हमने भी लिया है मैदा, हम बनाएंगे 12 समोसा, उसके अकॉर्डिंग मैदा, थोड़ा सा नमक और 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल, एंड अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इस बैटर को बनाएंगे, ठीक है? ये तो ये बन रहा है फॉर द स्किन ऑफ द समोसा। अब इसको हम मम्मी इसको अच्छे से मिक्स कर दी है, बैटर बना दिए और पानी डालते जाइए तब जब तक ये थोड़ा सा ठीक ना हो जाए, पड़ेगा जैसे आप देख सकते हो, और इतना छोटू सा बन गया बैटर। हमने बैटर बना लिया है, देखो कितना छोटू सा बन गया है। अब इसको स्टोर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जब बनाएंगे तब वील देख लो। अंदर का जो पूर होता है स्टफिंग फिलिंग जिसको कहते हैं, वो मम्मी ने कल रात ही बना दी थी। क्या क्या डाला इसमें मम्मी? प्याज फ्राई कुड़ी, अनियन फ्राई, फिर और आलू बादा फुल कॉफी, आलू फूल गोभी वो गाजर, अच्छा बाप रे बहुत कुछ, कैरेट से थोड़ा सा, और मोटर शूटी पीज एंड ये मूंगफली ना कि बोले मूंगफली, हाँ बादाम, और रास्ते धोने पत्ता, रास्ते थोड़ा धनिया डाल के दीची, जीरे गुड़ दीची, और मिष्टी नून हल्का कच्चा नमक और टेस्ट, ये सब कुछ काट के पीस के फिर मम्मी ने एक सब्जी बनाई है। जिनिसटा की करे बनाচ্ছি তাই तो मम्मी ने वो बैटर लेके थोड़ा सा हल्का सा आटा में उसको यू नो ड्राई अप करके, है ना, आटा थोड़ा सा दिया, फिर आप छोटा सा एक गोल शेप बना लें, काटते हैं बीच में से एक शेप चाहिए, अब इसको बीच में से काट लिया, और ये क्या है थोड़ा सा पानी डाल रहे हो, हाँ थोड़ा साइड में से पानी डाल के, वो समोसे का शेप चाहिए ना, इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे बन गई समोसे के शेप, कॉनिकल शेप में बेसिकली। अब इस कॉनिकल शेप में हम स्टफिंग को डाल रहे हैं जैसे कि आप देख, अब इस स्टफिंग को हम धीरे से प्रेस करेंगे, इसको अंदर अच्छे से स्टफ करके, स्टफिंग ऐसे ही बन रही है। पहली बार समोसा बनाया, ठीक जब सूजी का हलवा बना रहे हैं उसके लिए चाहिए आपको घी, फिर तेज पत्ता लिया है उसके अंदर, इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं सूजी। आप अपने हिसाब से सूजी डालोगे, जितने लोगों के लिए बनाओगे उतना ही डालना है।
फिर थोड़ा धीमी आंच में इसको पकाओ। जब हल्का लाल हो जाए उसके बाद उसमें पानी और दूध डालो और फिर इसको घोलते रहो। जितना आप अच्छे से मिक्स करोगे उतना अच्छे से घुलेगी सूजी, फिर हलवा अच्छे से बनेगी। हार्डली 10 to 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगती। उसके बाद फिर हम डाल रहे हैं लास्ट में चीनी एंड फिर अच्छे से इसको घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हो बैटर काफ़ी अच्छे से बन गई है। फिर इसमें मैंने किशमिश और काजू थोड़ी डाल दी है, आप चाहे तो सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हो। हल्का सा लास्ट में पानी लेके देख लेना कि कंसिस्टेंसी कैसी बन रही है, फिर पानी ऐड करना है या नहीं ऐड करना है। फिर एक प्लेट में थोड़ा घी डाल के मैंने बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर थोड़ा अलग तरीके से खाती हूँ इसको, मिठाई बना के खाती हूँ, हलवे की तरह नहीं खाती हूँ। अब इसको इस शेप में रख के फिर मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगी कंडेंस होने के लिए, फिर बर्फी हो जाएगी, फिर इसको काट के खाएंगे, वो बेटर लगता है, ट्राई करना ज़रूर। होली खेलने जाएंगे इसलिए सबसे पहले कर लेंगे थोड़ा चम्पी, और मेरे नेल्स खाली है तो मैं एक डीप कलर का नेल पेंट भी लगा लूँगी। और सनस्क्रीन बिल्कुल ना भूले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन और सनग्लास, क्योंकि बाहर धूप में खेलेंगे। थोड़ा पहले ही ऑयलिंग कर लूँगी ताकि ऑयल ना हेयर ऑयल सीप इन हो जाए स्कैल्प के अंदर और कलर अंदर ना जाए। करंट फेवरेट हेयर ऑयल मामा अर्थ हेयर ऑयल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगी मैं लिंक अमेजोन की, ठीक है। सो मेरा हेयर केयर रूटीन एंड हेयर केयर हैक्स वाला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, उसमें मैं बताऊँगी मेरे करंट हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में। हेयर एंड नेल्स आर रेडी, अब खेलने जाने से पहले बहुत सनस्क्रीन लगा के जाएंगे। कल मार्केट से हम थोड़ा रंग शंग लेके आए, ज़्यादा नहीं कम, आई विल नॉट प्ले अ लॉट जस्ट लिटिल बिट। ये चाय बन रही है मेरे और पापा के लिए और कॉफ़ी बन गई है उत्सव और बहन के लिए, मम्मी कुछ पीती नहीं है। अब एक्सेलेंट ब्रेकफास्ट करने के बाद, चाय पीने के बाद हम जाएंगे नीचे सोसाइटी होली में खेलने। शायद आप पीछे आवाज़ ऑलरेडी सुन सकते हो, काफ़ी हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो गया है, डीजे हो गई है, थोड़ी दारू शारू भी अरेंज करते हैं, खाना पीना भी नीचे होता है। हैप्पी होली भगवान जी। माई सिस्टर वी हैड अ ग्रेट होली। अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट कैरी माई मोबाइल फ़ोन यहाँ पर, क्योंकि होली में रंग होगी एंड पानी गिरेगा तो मोबाइल ख़राब हो जाती, तो मैंने मोबाइल कैरी नहीं किया। बट मैंने और मेरे बहन ने बहुत दारू पिया और बहुत नाचा और बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपने भी बहुत अच्छा अपना स्पेंड किया होली अपने फैमिली वालों के साथ। अच्छा ये मैं दिखाना भूल गई तो बीच में ही डाल दिया। अब कई घंटे बाद मेरा सूजी का हलवा बिल्कुल कंडेंस हो गया है जैसे आप देख सकते हो, और एकदम परफेक्ट बर्फी शेप में आप इसको काट के खाएंगे। मैं अभी दिखा रही हूँ और आप ज़रूर इसको ट्राई करना है। ऐसे फ्रिज में रख देना कुछ घंटे के लिए, जब वो बन जाए बर्फी की शेप में इसको काट लेना और खाना। इतने सो यमी, आपकी किसी भी ओकेशन में बन जाएगी, बस 10-15 मिनट, दैट्स इट, सो यम, डू ट्राई। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब एंड होप यू लाइक द रेसिपीज एंड आई सी यू लेटर, बाय, आई लव यू।